गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्टी नाइन ऑफ द ईयर ओके तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अयर बेटा वन ईयर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं ये तो सभी को पता है ट्वेल्व ओके आंसर इज ट्वेल्व दिस इज एन इजी क्वेश्चन ये क्या है हमारा एक इजी क्वेश्चन ये तो सभी को पता है बेटा कि हमारे वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं है ना हाउ मेनी मंथ्स मंथ्स आर देयर इन तो वट लेट सीज हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं या क्या आप उन क्वेश्चन के आंसर जानते हैं नो no. मंथ्स हमारे कौन कौन से होते हैं जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर एंड दिसंबर अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर अब हमारा मंथ जो हमारे ईयर है उसका हमारा फर्स्ट मंथ कौन सा होता है तो ये सभी को पता है हमारा होता है जनवरी। ठीक है तो यहाँ पे हम फिल करेंगे जनवरी। ओके नाउ नेक्स्ट है मार्च कम आफ्टर मार्च बेटा मार्च हमारा किसके बाद आता है तो जनवरी फेबररी एंड मार्च तो किसके बाद आया हमारा मार्च फेबर के बाद तो हम इधर क्या लिखेंगे आफ्टर फेबर एफ ई वी आर यू ए आर वाई फेब्रवरी नेक्स्ट है जुलाई हैज डेज बेटा जुलाई में हमारे कितने डेज होते हैं ठीक है मतलब कि हमारे थर्टी वन होते हैं या थर्टी डेज होते हैं तो हमारे जुलाई में होते हैं हमारे थर्टी वन डेज थर्टी वन डेज ओके okay? नेक्स्ट द मंथ ऑफ हैज ट्वेंटी एट डेज हमारा कौन सा मंथ ऐसा है जिसमें हमारे ट्वेंटी एट डेज होते हैं तो हमारा कौन सा मंथ है फेबर एफ ई वी आर यू ए आर वाई ये तो सभी को पता है ना बेटा कि हमारा कौन सा मंथ होता है जिसमें ट्वेंटी एट डेज होते हैं वो है हमारा फेब्रवरी नेक्स्ट है आपका अक्टूबर कम्स बिफोर अब अक्टूबर किसके पहले आता है अभी हमारा आफ्टर था मार्च हमारा क्या था आफ्टर आफ्टर मींस बाद और बिफोर मीन्स क्या होता है पहले तो अक्टूबर कम्स बिफोर अक्टूबर किसके पहले है तो जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर तो किसके पहले है बेटा और नवंबर तो नवंबर के पहले हमारा क्या आ रहा है अक्टूबर तो बिफोर नवंबर एंड ओ ई And we eat.